अगार नहीं जलाई, उन्होंने कोड़े खाकर भी जिए भुट्टो तो कहा लेकिन पाक फौज मुर्दाबाद नहीं कहा। हमने हारी हुई जंगें डायलॉग के जरिए मेज पर बैठकर अपने मुतालबात मनवाए, अपने इलाके वागुजार करवाए, अपने जंगी कैदी वागुजार करवाए, लेकिन हमने कभी भी किसी हिंदुस्तानी के जीतने पर शादियां नहीं बजाए। हमने ये नहीं कहा कि वहां मोदी जीत गया है तो हम यहां खुश हो रहे हो, या हम पाकिस्तान के अंदर अपने इदारों को कमजोर करके, हमने कभी ये मौका फराहम नहीं किया कि हिंदुस्तान और भारत में जश्न मनाए जा रहे हो कि जो 75 साल में हम नहीं कर सके इमरान खान साहब ने वो 3 साल में करके दिखाया। पाकिस्तान की आवाम को एक झूठे बयानिए के जरिए, एक पाकिस्तान दुश्मन बयानिए के जरिए आइसोलेट किया गया, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को गली मोहल्लों थड़ों और जलसों में डिस्कस किया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक थे वो हमसे दूर होते चले गए। पाकिस्तान आइसोलेशन में चला गया, चीन जैसा हमारा दोस्त, ईरान जैसा हमारा दोस्त, सऊदी अरेबिया जैसा हमारा दोस्त, यूएई जैसा हमारा दोस्त हमसे दूर हो गया। और क्या था वो? एक नैरेटिव, एक बयानिया ऐसा था जिसकी वजह से पूरी दुनिया हमें छोड़कर चली गई। मैं आज आपकी विसातत से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की काविशों को सराहता हूं और सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और लड़ा और उसमें खातिर खा कामयाबियां हासिल की। भारत की सरजमीन पर खड़े होकर उन्होंने कश्मीर पॉलिसी पे भी भारत पे तनकीद की, उन्होंने कश्मीर में होने वाले मुजालिम जो हैं वो भी उजागर किए, उन्होंने अमेरिका में खड़े होकर वहां पर भी ये बात की कि रशिया में अगर इमरान खान साहब बतौर वजीर आजम पाकिस्तान जाते हैं तो हम उनके फैसलों को ओन करते हैं, वो पाकिस्तान के फैसले हैं। और जवाब में हमें क्या मिलता है कि मैं अगर इमरान खान अमेरिका में तकरीर कर रहे हो और वो कहते हैं मैं वापस जाऊंगा, मैं इन चोरों को अंदर भी करूंगा, मैं इनके एसी भी उतारूंगा, मैं इनको सेल में बंद करूंगा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, तो ये जो पॉलिसी थी उससे पाकिस्तान को इंतहाई नुकसान पहुंचा। सबसे पहले उन्हें उनके इत्तेहादियों ने छोड़ा, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से उनको छोड़ा, उनके साथ किए हुए वादे पूरे ना किए उन्होंने उनको छोड़ा, जिसकी बुनियाद पे वो कौमी असेंबली से फारिग हुए। फिर उन्होंने सूबाई असेंबलियों का रुख किया, यहां पर उन्होंने अपनी बात और अपनी अना को आगे रख कर अपने फैसले मनवाने की कोशिश की, बल्कि मनवाए, जिसके नतीजे में केपी और पंजाब असेंबली टूटी। आज जब उनसे पूछा जाता है कि ये आप पे इल्जामात हैं तो वो अपने कारकुनों को आगे कर देते थे, कारकुनों को ढाल बनाते थे, कभी अदालतों को ढाल बनाते हैं, कभी ऑडियोज आ रही हैं, कभी वीडियोज आ रही हैं। अगर कोई मुजरिम मुलजिम गिरफ्तार होता है और वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो हैरानगी और की बात और परेशानी की बात तो ये है कि आपने 22 करोड़ लोगों के मुल्क में उनके बच्चों को वरगलाकर उनके हाथ से किताब छीन ली, उनके मुस्तकबिल तारीख कर दिए, उनको माचिस पकड़ा दी, उनको लाठी डंडा पकड़ा दिया, उनको सड़कों पर ले आए, उनको बहकाते रहे कि ये पुलिस आपके सामने नहीं रुक सकती, ये मुट्ठी भर है, आप इन पर काबिज हो जाओगे, हकीकी आजादी मिल जाएगी। और
समझ से बाहर है कि अब जेल से बाहर जो भी आता है वो कहता है मैं बच्चों को बड़ा मिस कर रहा हूं, मुझे बच्चे बड़े याद आ रहे हैं, मेरे वालदेन को मेरी जरूरत है, मेरा टाइम जो है वो मेरी फैमिली का टाइम था वो मेरा टाइम जाया हो रहा है। ओ भाई, तुम्हें उस वक्त ख्याल ना आया जब तुमने माओ से बच्चे छीन कर उनके सामने खड़े कर दिए, जो बाप को भी कहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं कोई गुलाम हूं, मैं कोई नौकर हूं तुम्हारा। आपने बदतमीजी के वो मीनार्स खड़े कर दिए, आपने इस कौम को इस अनार्की में फंसा दिया कि आज वो निकलने का नाम नहीं ले रहे, आज वो निकल नहीं पा रहे, आज वो तरह तरह की मुसीबतों में घिरे हुए हैं। आज हमें इंतहाई दुख के साथ, मैं अभी एक बच्चे की मुलाकात करने गया हूँ, इंतहाई दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि वो माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप, जिनको आपके माँ बाप को आपका टाइम चाहिए ना, वो माँ बाप आज थानों और अदालतों के बाहर रुल रहे हैं, उनको उनके बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा। वो शरीफ शहरी जो शरीफ आदमी की तरह जिंदगी गुजार रहे थे, आज उन पर दहशत गर्दी जैसे संगीन मुकदमात का वो सामना कर रहे हैं। और वो कौन सी कौम आपने पैदा कर दी? एक तरफ कौम का ये हाल है कि उनके बच्चे थानों और जेलों में रुल रहे हैं, और दूसरी तरफ आप उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को बड़ा मिस कर रहा हूं, मैं अपने बच्चों को बड़ा मिस कर रहा हूं। उनकी तस्वीर ट्वीट करके कहते हैं कि मैं इस सीजन में उन्हें कागान, नारान और नथिया गली लेके जाया करता था। यार, कितने शर्म की मुकाम बात है ये। आप एक लीडर हो, आप तो गीदड़ हो, आप उन बच्चों को ढाल बनाते हो, उनको इस्तेमाल करते हो, उनको जेलों में भिजवाते हो, उनका मुस्तकबिल तबाह करते हो, और अपने बच्चों को कहते हो कि मैं मिस कर रहा हूं, मैं उन्हें कागान और नारान लेकर जाता था। आज बुलाओ ना वो कासिम और सुलेमान को, वो पाकिस्तान में आए और वो तुम्हारी तहरीक को लीड करें, फिर हम भी कहेंगे कि वाकई ये हकीकी आजादी चाहता है, वाकई ये पाकिस्तान के अंदर इनकलाब चाहता है, और वाकई ही इसको ये सारा कुछ जो है वो सहूलतें मिलनी चाहिए, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा लीडर है। ये इसको तो यकीनन हमें चाहिए सारी कौम को कि इसके साथ खड़े हो, ये तो बड़ी तब्दीली लाना चाहता है। लेकिन तुम्हारे तो अजाइम ये हैं कि तुम लोगों के बच्चों को मरवा कर अपने बच्चों को कागान नारान ले जाने की बात करते हो। और हम कहते रहे और हमारे मीडिया के दोस्त हमेशा टॉक शोज के अंदर भी और वैसे भी, वो जब नशई का लफ्ज आता था तो वो एक बीप सी आगे आ जाती थी कि इन्हें नशई मत कहो, इसको आप नहीं, वो मुनासिब नहीं है। लेकिन आज मेडिकल रिपोर्ट्स, ये बात साबित हो गई कि ये एक नशई है, ये कोकेन भी पीता है, ये शराब भी पीता है। और एक ऐसे ज़हनी मरीज को आपने एक एटमी कुवत, एक 22 करोड़ का मुल्क आपने एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया, एक ऐसे शख्स को दे दिया कि जो ज़हनी, जिसकी ज़हनी हालत ही ठीक नहीं है, जो 24 घंटे नशे में रहता है, सारे फैसले नशे में करता है, कौम को गुमराह करता है, नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करता है। एक पॉलिसी उसने नहीं दी नौजवानों को कि ये तुम्हारे लिए, यूथ के लिए मैं प्रोग्राम दे रहा हूं, मां सिवाय इसके कि बनीगाला आ जाओ, जमान पार्क आ जाओ। आपके कायद पर बुरा वक्त है, आपके कायद मुश्किल हालात में है, आपके कायद को मारना चाहते हैं, ले अब कोई बंदा भी नहीं है। और मैं देखता हूं ना, वो मरता है, मरना उसने तब भी है जब उसकी मौत आनी है। कोई ऐसी मौत नहीं आने वाली कि कोई उसे मारेगा, जो अपने जमीर के हाथों मरा हुआ है उसको किसने मारना है। और मैं
यहां पर फिर अपने इदारों को सलाम पेश करता हूं। 6-7 माह से एक बंदा टांग के ऊपर प्लिस्तर लगाकर व्हीलचेयर की जीनत बना हुआ था, मारा मारा फिर रहा होता था। 1 सेकंड के अंदर रेंजर्स ने उठाया, आज तक नहीं बैठा, भागा फिर रहा है, दौड़े लगा रहा है। और वो टांग भी ठीक हो गई है, कोई मेडिकल रिपोर्ट में नहीं है कि इसको कोई बुलेट लगी है या किसी बुलेट का कोई टुकड़ा लगा है, बिल्कुल ठीक है। जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सके शौकत खानम के, वो काम रेंजर्स ने 5 मिनट में कर दिया। आज अब ना प्लस्तर है ना व्हीलचेयर है और बिल्कुल जनाब ठीक ठाक अपनी मौजे कर रहा है और मस्तियां कर रहा है।